श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्री मद्भागवत महापुराण प्रथम स्कंध। यो लीला लास्य संलग्नो गतो लोलोपि लोलताम तम लीला वपुषम बालम वंदे लीलार्थ सिद्धये। श्री मद्भागवत महापुराण प्रथम स्कंध पहला अध्याय। श्री सूत जी से सौनकादि ऋषियों का प्रश्न। मंगलाचरण। जिससे इस जगत की सृष्टि स्थिति और प्रलय होते हैं, क्योंकि वह सभी सद्रूप पदार्थों में अनुगत है और असत पदार्थों से पृथक है, जड़ नहीं चेतन है, परतंत्र नहीं स्वयं प्रकाश है, जो ब्रह्मा अथवा हिरण्यगर्भ नहीं प्रत्युत उन्हें अपने संकल्प से ही जिसने उस वेद ज्ञान का दान किया है, जिसके संबंध में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं, जैसे तेजोमय सूर्य रश्मियों में जल का, जल में स्थल का और स्थल में जल का भ्रम होता है, वैसे ही जिसमें यह त्रिगुणमयी जागृत स्वप्न सुषुप्ति रूपा सृष्टि मिथ्या होने पर भी अधिष्ठान सत्ता से सत्यवत प्रतीत हो रही है, उस अपनी स्वयं प्रकाश ज्योति से सर्वदा और सर्वथा माया और माया कार्य से पूर्णतः मुक्त रहने वाले परम सत्य रूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। महामुनि व्यास देव के द्वारा निर्मित इस श्रीमद्भागवत महापुराण में मोक्ष पर्यंत फल की कामना से रहित परम धर्म का निरूपण हुआ है। इसमें शुद्धांतःकरण सत्पुरुषों के जानने योग्य उस वास्तविक वस्तु परमात्मा का निरूपण हुआ है, जो तीनों तापों का जड़ से नाश करने वाली और परम कल्याण देने वाली है। अब और किसी साधन या शास्त्र से क्या प्रयोजन? जिस समय भी सुकृति पुरुष इसके श्रवण की इच्छा करते हैं, ईश्वर उसी समय अविलंब उनके हृदय में आकर बंदी बन जाता है। रस के मर्मज्ञ भक्तजन, यह श्रीमद् भागवत वेद रूप कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। श्री सुखदेव रूप तोते के मुख का संबंध हो जाने से यह परमानंदमयी सुधा से परिपूर्ण हो गया है। इस फल में छिलका गुठली आदि त्याज्य अंश तनिक भी नहीं है। यह मूर्तिमान रस है। जब तक शरीर में चेतना रहे, तब तक इस दिव्य भगवद रस का निरंतर बार बार पान करते रहो। यह पृथ्वी पर ही सुलभ है। एक बार भगवान विष्णु एवं देवताओं के परम पुण्यमय क्षेत्र नैमिषारण्य में शौनकादि ऋषियों ने भगवत प्राप्ति की इच्छा से सहस्त्र वर्षों में पूरे होने वाले एक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया। एक दिन उन लोगों ने प्रातः काल अग्निहोत्र आदि नित्य कृत्यों से निवृत्त होकर सूत जी का पूजन किया और उन्हें ऊंचे आसन पर बैठा कर बड़े आदर से यह प्रश्न किया। ऋषियों ने कहा, सूत जी, आप निष्पाप हैं। आपने समस्त इतिहास पुराण और धर्म शास्त्रों का विधि पूर्वक अध्ययन किया है तथा उनकी भली भांति व्याख्या भी की है। वेद वेताओं में श्रेष्ठ भगवान बादरायण ने एवं भगवान के सगुण निर्गुण रूप को जानने वाले दूसरे मुनियों ने जो कुछ जाना है, उन्हें जिन विषयों का ज्ञान है, वह सब आप वास्तविक रूप में जानते हैं। आपका हृदय बड़ा ही सरल और शुद्ध है, इसी से आप उनकी कृपा और अनुग्रह के पात्र हुए हैं। गुरुजन अपने प्रेमी शिष्य को गुप्त से गुप्त बात भी बता दिया करते हैं। आयुष्मान, आप कृपा करके यह बतलाइए कि उन सब शास्त्रों पुराणों और गुरुजनों के उपदेशों में कलयुगी जीवों के परम कल्याण का सहज साधन आपने क्या निश्चय किया है? आप संत समाज के भूषण हैं। इस कलयुग में प्रायः लोगों की आयु कम हो गई है, साधन करने में लोगों की रुचि और प्रवृत्ति भी नहीं है, लोग आलसी हो गए हैं, उनका भाग्य तो मंद है ही, समझ भी थोड़ी है, इसके साथ ही वे नाना प्रकार की विघ्न बाधाओं से घिरे हुए भी रहते हैं। शास्त्र भी बहुत से हैं, परंतु उनमें एक निश्चित साधन का नहीं, अनेक प्रकार के कर्मों का वर्णन है। साथ ही वे इतने बड़े हैं कि उनका एक अंश सुनना भी कठिन है। आप परोपकारी हैं, अपनी बुद्धि से उनका सार निकालकर प्राणियों के परम कल्याण के लिए हम श्रद्धालुओं को सुनाइए, जिससे हमारे अंतःकरण की शुद्धि प्राप्त हो। प्यारे सूत जी,
आपका कल्याण हो। आप तो जानते ही हैं कि यदुवंशियों के रक्षक भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण वसुदेव की धर्म पत्नी देवकी के गर्भ से क्या करने की इच्छा से अवतीर्ण हुए थे। हम उसे सुनना चाहते हैं, आप कृपा करके हमारे लिए उसका वर्णन कीजिए, क्योंकि भगवान का अवतार जीवों के परम कल्याण और उनकी भगवत प्रेममयी समृद्धि के लिए ही होता है। यह जीव जन्म मृत्यु के घोर चक्र में पड़ा हुआ है। इस स्थिति में भी यदि वह कभी भगवान के मंगलमय नाम का उच्चारण कर ले तो उसी क्षण उससे मुक्त हो जाए, क्योंकि स्वयं भय भी भगवान से डरता रहता है। सूत जी, परम विरक्त और परम शांत मुनिजन भगवान के श्री चरणों की शरण में ही रहते हैं, अतएव उनके स्पर्श मात्र से संसार के जीव तुरंत पवित्र हो जाते हैं। इधर गंगा जी के जल का बहुत दिनों तक सेवन किया जाए तब कहीं पवित्रता प्राप्त होती है। ऐसे पुण्यात्मा भक्त जिनकी लीलाओं का गान करते रहते हैं, उन भगवान का कलिमलहारी पवित्र यश भला आत्मशुद्धि की इच्छा वाला ऐसा कौन मनुष्य होगा जो श्रवण न करे। वे लीला से ही अवतार धारण करते हैं। नारदादि महात्माओं ने उनके उदार कर्मों का गान किया है। हम श्रद्धालुओं के प्रति आप उनका वर्णन कीजिए। बुद्धिमान सूत जी, सर्वसमर्थ प्रभु अपनी योग माया से स्वच्छंद लीला करते हैं, आप उन श्री हरि की मंगलमयी अवतार कथाओं का वर्णन कीजिए। पुण्य कीर्ति भगवान की लीला सुनने से हमें कभी भी तृप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि रसज्ञ श्रोताओं को पद पद पर भगवान की लीलाओं में नए नए रस का अनुभव होता है। भगवान श्री कृष्ण अपने को छिपाए हुए थे, लोगों के सामने ऐसी चेष्टा करते थे मानो कोई मनुष्य हो, परंतु उन्होंने बलराम जी के साथ ऐसी लीलाएं भी की हैं, ऐसा पराक्रम भी प्रकट किया है जो मनुष्य नहीं कर सकते। कलयुग को आया जानकर इस वैष्णव क्षेत्र में हम दीर्घकालीन सत्र का संकल्प करके बैठे हैं। श्री हरि की कथा सुनने के लिए हमें अवकाश प्राप्त है। यह कलयुग अंतःकरण की पवित्रता और शक्ति का नाश करने वाला है, इससे पार पाना कठिन है। जैसे समुद्र से पार जाने वालों को कर्णधार मिल जाए, उसी प्रकार इससे पार पाने की इच्छा रखने वाले हम लोगों से ब्रह्मा ने आपको मिलाया है। धर्म रक्षक ब्राह्मण भक्त योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम में पधार जाने पर धर्म ने अब किसकी शरण ली है, यह बताइए।